तकरीबन 5 चेक पोस्ट को क्रॉस करके और 200 की टिकट लेकर मैं पहुंचा हूं यहां तक, और यहां से मिनी बस में बैठकर मैं जा रहा हूं गुरुद्वारे तक। और इस मिनी बस की कोई भी टिकट नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। चेक इन करवा कर मैं पहुंचा हूं यहां, और यहां से हम जाएंगे, ये इसका मेन डोर है, यहां पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, लेकिन हम जाएंगे इसके नेक्स्ट डोर से, इसका मेन डोर है जहां से गुरुद्वारे तक आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही है और यहां से हम जा नहीं सकते। अब जाते हैं आगे। विजिटिंग पॉइंट के एतबार से भी ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन जो अकीदतमंद हैं उनके लिए तो ये खासी अहमियत का हामिल है ही है। फर्स्ट मेन एंट्रेंस से सेकंड मेन एंट्रेंस तक का जो डिस्टेंस है मेरे ख्याल में तकरीबन 200-250 फीट होगा अप्रॉक्सीमेटली। इसका मेन सेकंड एंट्रेंस पॉइंट, और यहाँ से हम जाएंगे अंदर, ये लिखा हुआ है दर्शन ड्योड़ी। और ये है गुरुद्वारे का साइड व्यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको विज़िट करवाऊंगा करतारपुर कॉरिडोर, तो मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। ये शॉर्ट सी एक वीडियो होगी, इंशाल्लाह मैं हिस्ट्री भी आपको थोड़ी बहुत इसमें बताऊंगा। और यहाँ अंदर गुरुद्वारे के भी कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट लग रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत अभी काम करने वाला बाकी है जो हो रहा है। और यहाँ पर म्यूज़ियम टाइप आर्ट गैलरी है, पहले हम उसको विज़िट करते हैं और फिर जाएंगे गुरुद्वारे तक। और अब चलते हैं गुरुद्वारे तक। ये रकबा तकरीबन पहले मेरी रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 4 एकड़ पर मुश्तमिल था, जो कि अब इसको बढ़ाकर 42 एकड़ पर कर दिया गया है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, ये मैं इसमें श्योर नहीं कि ऐसा ही है या इसमें कुछ फ़र्क है। गुरुद्वारा करतारपुर लाहौर शहर से तकरीबन 120 किलोमीटर के फासले पर दरियाए रावी के किनारे वाकिया है। इस गुरुद्वारे की तमीर पटियाला शहर के महाराजा बपुंदर सिंह बहादुर ने 1921 से 1929 तक के दरमियान करवाई थी। गुरुद्वारा सिख मज़हब के बानी
गुरु नानक साहिब की याद में बना हुआ है। गुरु नानक देव जी का जन्म 1429 ईस्वी में ननकाना साहिब में हुआ। गुरु नानक साहिब 1521 को यहाँ पर आए और करतारपुर के नाम से यहाँ पर एक नगर बसवाया और 1539 तक आपने यहीं पर क़याम किया। बाबा गुरु नानक साहिब की उम्र तकरीबन 70 साल और 4 माह थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से मुल्कों का सफ़र किया और करतारपुर आकर अपनी ज़िंदगी के आखिरी 18 साल गुजारे थे, जो किसी भी जगह पर ज़िंदगी का सबसे लंबा क़याम था। बाबा जी ने पूरी इंसानियत को 3 दर्स दिए। पहला, जिस परवरदिगार ने पैदा किया सिर्फ इसी की बंदगी करो। दूसरा, अपने हाथों से हलाल रोज़ी कमाओ। और तीसरा, तमाम तफरुकात को मिटाकर सब मिलजुल कर रहो। और बाबा जी ने यहाँ रहकर अपने हाथों से खेती बाड़ी भी की और ये वो कुआं है जिससे बाबा जी अपने खेतों को सराब किया करते थे। और इस कुएं की एक हिस्ट्री ये भी है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो बम है जो गुरुद्वारे को तबाह करने के लिए फेंका गया था। बाबा जी को सिख मजहब के लोग अपना गुरु और मुसलमान इनको अपना पीर बुजुर्ग मानते थे। 22 सितंबर 1539 को बाबा जी जब पर्दापोश हुए तो गौर सिख और मुसलमान भाई आपस में झगड़ा करने लगे कि बाबा जी हमारे हैं, लिहाजा हम बाबा जी की आखिरी रसूमात अपने अपने मजहब के मुताबिक करेंगे। इस झगड़े के फैसले के लिए जब किसी दरवेश के कहने पर बाबा जी का जिस्म से चादर उठाई गई तो जिस्म गायब था और फूल वहां पर मौजूद थे। लिहाजा फैसले के मुताबिक चादर और फूलों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। अपनी अपनी मजहबी रस्मों के मुताबिक मुसलमानों ने चादर और फूलों को दफनाकर एक मज़ार सा बना दिया है जो आपके सामने है। ये सिखों ने चादर और फूलों को सिस्कार कर समाज इस्तहान बना दी और आज इसी मुकाम पर गुरुद्वारा करतारपुर की इमारत खड़ी है और आज भी यहाँ दोनों निशानियाँ मौजूद हैं और यहाँ दोनों मज़ाहिब के लोग अपनी अपनी अकीदत के फूल निछावर करते हैं। और यहाँ पर इमरान खान साहिब ने करतारपुर कॉरिडोर का संग बुनियाद रखा। और आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई जगह पर एक नए आइडियाज़ और एक नई हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।